हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एप्पल और ड्राई फ्रूट्स की लॉन्ची, जो हेल्दी होता है। तो यहाँ पे हमने एक एप्पल लिया है, 250 ग्राम्स प्लम, 100 ग्राम्स डेट्स और 250 ग्राम्स टमेटोज। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो आपके लिए इजी होगा फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे पीछे की तरफ से इसे थोड़ा सा काट रहे हैं, ताकि इसे बॉईल करने के बाद इसका जो स्किन है टमाटो का, उसे रिमूव करने में हमारे लिए आसानी होगा। तो यहाँ पे हमने बॉईल कर दिया है, तो अभी इसका जो स्किन है टमाटोज का, उसे हम पील ऑफ कर लेंगे और फिर उसे एक प्लेट में रख लेंगे। ये हमारा पील ऑफ होने के बाद ऐसा दिख रहा है, तो इसे उसके बाद इसे हम फाइनली चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। फिर यहाँ पे हम प्लम काट के इसे भी रख लेंगे एक साइड, और एप्पल भी काट लेंगे, और जो डेट्स है उसके सीड्स निकाल के उसे छोटा छोटा पीस कर लेंगे। पे हम सीक्रेट मसाले की तैयारी कर रहे हैं, जिस पे एक तवे पे या फिर फ्राइंग पैन पे आप 3 टेबलस्पून जीरा ले लीजिए, 3 टेबलस्पून राई ले लीजिए, 2 टेबलस्पून सौंफ ले लीजिए, 2 टेबलस्पून मेथी का दाना ले लेंगे हम, 7 से 8 ड्राई रेड चिली ले लेंगे, 2 टेबलस्पून मीडियम से हाई फ्लेम में भूनना है, ड्राई ही भूनना है, जब तक ये ब्राउन कलर होके इसके स्मेल मतलब बाहर आने ना चाहिए। और फिर ये पॉप आउट करने लगेंगे, फिर उसके बाद इसे हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के लिए छोड़ देंगे। फिर एक जार में लेके इसे दरदरा पीसना है हमें, इसे फाइनली पाउडर मत कीजिएगा, दरदरा पीसने से इसकी खुशबू अच्छी आती है और लॉन्ची का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल, तो थोड़े से करी पत्ते डाल दिए हैं, फिर इसमें जाएगा पंचफूटन 1 टेबलस्पून। पंचफूटन का इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसमें कलौंजी होता है, क्यूमिन सीड होता है, मेथी होता है, सौंफ होता है, राई होता है, फिर यहाँ पे हमने असोपेटेटा या फिर या हींग के पाउडर थोड़ा सा हमने डाल दिए 1 से 2 पिंच। फिर इसे थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर उसके बाद हमने चॉप किए हुए टमेटोज को इसमें डालेंगे, और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स और एप्पल और प्लम्स जो काट के हमने रखे हैं उसे भी ऐड कर लेंगे। ये जो लॉन्ची बना रहे हैं ना, इसे कोई भी खा सकता है, क्योंकि इसमें हम ना ही जागरी डालने वाले हैं, ना ही चीनी डालने वाले हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है, एनीवन कैन ईट। तो इसके बाद ना हम थोड़ा सा 1/2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर डाल रहे हैं, फिर रेड चिली का पाउडर,
और एक टेबल स्पून से दो टेबल स्पून डाल सकते हैं। आपको अगर तीखा खाना, थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है तो और थोड़ा सा भी डाल सकते हैं। फिर हम सॉल्ट इसमें डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून। आपकी क्वांटिटी को लेकर आप सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डाल सकते हो। हल्दी ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। फिर इसे सॉटे करना है ताकि हमारा पाउडर जो हमने डाला है ये सब मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर उसके बाद जो उबाले हुए जो टमाटोज थे उसके पानी मैंने नहीं फेंका था तो इसमें ऐड कर लिया और फिर उसे कवर कर लिया 15-20 मिनट्स बॉयल होने के लिए। अभी ये तो अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, फिर मैंने चेक किया। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो सीक्रेट मसाले हमने तैयार किए थे लॉन्च के लिए उससे हम डालेंगे 2 टेबल स्पून से 2.5 टेबल स्पून। इसे ज़्यादा डालने से भी मतलब अच्छी लगेगी, इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी होती है लॉन्च के लिए। फिर ये रहा हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। तो वो पाउडर डालने के बाद ना आपको उसे 1-2 मिनट के बाद मिक्स करके आपकी गैस टर्न ऑफ करनी चाहिए। फिर उसके बाद ये रहा हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, ये है हनी। ये हनी मेरा ठीक हो गया है, तो आप इसमें ना 1 कप हनी डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाने पसंद है तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हो इसमें। और ये हमेशा याद रखिएगा कि गैस बंद करने के बाद ही आपको मिक्स करना है इसके साथ। फिर ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया।